एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5,00,000 आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44,00,000 गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। विधानसभा चुनाव के पहले दीपावली मिलन समारोह में सागर में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया गया था। ये जो दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया है, इसके लिए मैं दीपावली की आप सबको अभी से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और यह दीपावली हम सबके जीवन में सुख समृद्धि यश लेकर आए, ऐसी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। और हम सब इस बात को भी जानते हैं कि दीपावली को जहाँ एक तरफ हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ सुख समृद्धि की कामना करते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ जब अधर्म पर धर्म की विजय हुई और भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए, तो पूरे अयोध्या वासियों ने घर घर में दीपक जलाकर धर्म की विजय की पताका का भी फहराई थी। इसलिए भी हम दीपावली मनाते हैं, और इसलिए जब हम दीपावली मना रहे हैं तो जिन भगवान राम ने धर्म पर विजय प्राप्त की थी, उन भगवान श्री राम को अयोध्या में पिछले 500 वर्षों से वो बाहर खुले आसमान में बैठे थे। 500 साल तक जो भगवान राम की अयोध्या है, ये भारत देश भगवान राम का देश है, पर आज़ादी के बाद 500 साल तक भगवान श्री राम बाहर एक चबूतरे पर बैठे थे। और हम सबको अब गौरव प्राप्त हो रहा है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या में भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। हम अपने क्षेत्र में
उद्योगों का ऐसा जाल फैलाए कि हमारे क्षेत्र में कोई भी बेरोजगार ना रह जाए, ऐसा हम उद्योगों। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5,00,000 आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44,00,000 गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। इस बार भाजपा सरकार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।